तो आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी वारदात हुई है, चार से पांच बदमाश जो है एक लड़के को उठा कर ले जाते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, पूरा मामला आपको बताएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं नूर महल के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बता दें कि चार से पांच बदमाश जो है बाइक सवार एक लड़के को उठा कर ले जाते हैं। और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सर हमारे पास केस आया था, नूर महल के सामने हम पहुंचे, 10-15 युवक सरदारों के थे, 8-10 युवक दूसरी पार्टी में थे, वो यहाँ फोटो बनाने के लिए आए थे। उन्होंने आते के साथ इनके लठ मारने शुरू कर दिए, और एक बड़े गांव का लड़का था, क्या नाम था, मोहित है, रोहित नाम का लड़का था, उसके घने लठ मार रखे थे और उसको उठा के ले गए थे। हमने पीछा किया, उसको रास्ते में छोड़ के और वो बाइकों पे थे, वो भाज गए और उस रोहित को हम वापसी ले आए। आपने साइकिल से बरामद कर लिया लड़के को? लड़के को वापसी ले आए। ऐसे तो साहब को फोन किया, गाड़ी आई थी, उसको थाने ले गए, सारी चीज वहां पूछेंगे भाई क्या रंजिश थी क्या नहीं, क्यों उठाए के ले गए, मारपीट क्यों हुई। तो सर क्या लगता है 414 नंबर गाड़ी करनाल की 112 मौके पर पहुंचती है और उसके बाद कहने की बदमाश जो उठा कर ले गए थे वो वापस लेकर आए हैं, युवक को वापस ले आए? अच्छा काम किया पुलिस ने सर, अच्छा काम। तो फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से सामने ये वही जगह है जहां से युवक को बदमाश उठा कर ले जाते हैं, और यहां पर ऐसा बताया जाता है कि वो यहां पर सेल्फी वगैरह खींच रहे थे, जिसके बाद चार से पांच बदमाश आते हैं और एक युवक को उठाकर यहां से ले जाते हैं। और उसके बाद 112 पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद कहीं ना कहीं युवक को जिसे बदमाश उठा कर ले जाते हैं उसे वापिस बुलाया जाता है। किस तरीके से पुलिस ने एक सराहनीय काम किया, ले जाते उठा के तो भाज ही रहे थे, पीछा किया जब इसको पकड़ा है, तो एक निहायती बढ़िया काम पुलिस ने पीछा किया और उसके बाद ही बदमाशों को के चुंगल से जो है युवक को छुड़ाया गया। फिलहाल हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिलहाल पुलिस जो मौके से जाती हुई जरूर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो बदमाश जिस युवक को उठाकर ले गए थे उस युवक को फिलहाल पुलिस अपने साथ जरूर ले गई है। तो आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, बड़ी वारदात हुई है, चार से पांच बदमाश जो है एक लड़के को उठा कर ले जाते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, पूरा मामला आपको बताएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं नूर महल के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर आपको बता दें कि चार से पांच बदमाश जो है बाइक सवार एक लड़के को उठा कर ले जाते हैं। और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सर हमारे पास केस आया था, नूर महल के सामने हम पहुंचे, 10-15 युवक सरदारों के थे, 8-10 युवक दूसरी पार्टी में थे, वो यहाँ फोटो बनाने के लिए आए थे। उन्होंने आते के साथ इनके लठ मारने शुरू कर दिए, और एक बड़े गांव का लड़का था, क्या नाम था, मोहित है, रोहित नाम का लड़का था, उसके घने लठ मार रखे थे और उसको उठा के ले गए थे। हमने पीछा किया, उसको रस्ते में छोड़ के और वो बाइकों पे थे, वो भाज गए और उस रोहित को हम वापसी ले आए। आपने साइकिल से बरामद कर लिया लड़के को? लड़के को वापसी ले आए। ऐसे तो साहब को फोन किया, गाड़ी आई थी, उसको थाने ले गए, सारी चीज वहां पूछेंगे भाई क्या रंजिश थी क्या नहीं, क्यों उठाए के ले गए, मारपीट क्यों हुई। तो सर क्या लगता है 414 नंबर गाड़ी करनाल की 112 मौके पर पहुंचती है और उसके बाद कहने की बदमाश जो उठा कर ले गए थे वो वापस लेकर आए हैं, युवक को वापस ले आए? अच्छा काम किया पुलिस ने सर, अच्छा काम। तो फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से सामने ये वही जगह है जहां से युवक को बदमाश उठा कर ले जाते हैं, और यहां पर ऐसा बताया जाता है कि वो यहां पर सेल्फी वगैरह खींच रहे थे, जिसके बाद चार से पांच बदमाश आते हैं और एक युवक को उठाकर यहां से ले जाते हैं। और उसके बाद 112 पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद कहीं ना कहीं युवक को जिसे बदमाश उठा कर ले जाते हैं उसे वापिस बुलाया जाता है। किस तरीके से पुलिस ने एक सराहनीय काम किया, ले जाते उठा के तो भाज ही रहे थे, पीछा किया जब इसको पकड़ा है, तो एक निहायती बढ़िया काम पुलिस ने पीछा किया और उसके बाद ही बदमाशों को के चुंगल से जो है युवक को छुड़ाया गया। फिलहाल हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिलहाल पुलिस जो मौके से जाती हुई जरूर नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो बदमाश जिस युवक को उठाकर ले गए थे उस युवक को फिलहाल पुलिस अपने साथ जरूर ले गई है।